Hi guys, this is Kavi again. So, आज मैं साबुदाना वड़ा बनाने वाली हूँ बिकॉज सुबह से बारिश हो रही है एंड मेरा साबुदाना वड़ा खाने का बहुत मन है. तो मैंने साबुदाना सुबह भिगो दिया था 1 कप. तो आप ओवरनाइट में भी भिगो सकते हो एंड लीव इट ओवरनाइट. बट मैंने सुबह किया तो मुझे 8 घंटे लगे एंड आई थिंक दैट इज इनफ. फिर मैंने साबुदाना के साथ एक आलू लिया है, एक आलू को मैंने उबाल दिया है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ साबुदाना एंड आलू इज इक्वल. तो अगर आपने 1 कप लिया है तो उबले हुए आलू इक्वल होने चाहिए क्योंकि हम उसे मिलाने वाले हैं. सो आई शो यू हाउ आई एम गोना मेक इट. सो आप इसमें देख सकते हैं इजीली कि मैंने ये आलू मैश कर दिए उबले हुए एंड ये जो मैंने साबुदाना भिगोए थे ये मैं इसमें डालने वाली हूँ. हुआ ये नहीं हुआ है उसको पता लगाने का एक तरीका है, जब आप साबुदाना हाथ में उठाओ तो वैसे मुशी हो जाए. सो इट मीन्स कि वो हो गया है. फिर मैंने साइड में ये जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है. तो जिंजर मैं बोलूँगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें. मैंने इतना जिंजर लिया है एंड 3 चिलीज लिए हैं क्योंकि मुझे जिंजर काफ़ी अच्छा लगता है. अगर आपको ज़्यादा जिंजर पसंद नहीं है तो मत लो इतना. एंड चिली भी अकॉर्डिंगली कि आपको कितना तीखा पसंद है. मुझे काफ़ी तीखा अच्छा लगता है. एंड देन मैंने फिर थोड़ी सी करी लीव्स प्लक करके स्टिक पे से चॉप कर लिया है कोरिएंडर के साथ. तो यू कैन सी इट, मैंने काफ़ी छोटा छोटा ये चॉप करा है जो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए. उसका टेस्ट उसमें काफ़ी अच्छा आएगा मिक्स करके. ये सब हम एक बाउल में डाल देंगे एंड देन आप इसमें देख सकते हैं मैंने पीनट्स लिए हैं. पीनट्स को मैंने फ्राई किया विदाउट एनी ऑयल और फिर मैंने उसको ग्राइंड कर दिया. तो यहाँ पे आपको कोर्सली ग्राइंड करना है, एकदम कम्प्लीटली नहीं, एकदम फाइन और स्मूथ नहीं करना, उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी. तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ ओके अच्छे से. अब लास्ट थिंग आपको क्या डालनी है, बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा, वो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा कि जैसे हम पकौड़े खाते थोड़े क्रिस्पी बनते हैं. तो आपको इतना सा चुटकी भर सॉल्ट से कि चुटकी भर इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया, नॉट मच. इतनी सारी क्वांटिटी में मैंने इतना बेकिंग पाउडर डाला है. एंड देन मैं थोड़ा ब्लैक पेपर इसमें डाल दे रही हूँ. फिर इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ. सॉल्ट भी अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. सॉल्ट का मेजरमेंट देना थोड़ा टफ रहता है बिकॉज किसी को ज़्यादा सॉल्ट पसंद है, किसी को कम. सो अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी. आपको इसे अच्छे से इसमें मिला देना है एवरीथिंग. इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो साबुदाना होता है दैट ऑलरेडी बिकॉज हमने उसको पानी में भिगो दिया है तो उसमें काफ़ी पानी सोख हो जाता है. तो उसके अंदर काफ़ी पानी होता है तो इतना ज़रूरत नहीं है. बाइंडिंग एजेंट क्योंकि आलू हो गया, आलू इज़ लाइक अ बाइंडिंग एजेंट. तो आपको उसमें आटा वाटा भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. तो ये आपका ग्लूटेन फ्री भी हो गया. सो नाउ यू कैन सी इट नाइसली. सी लुक एट इट क्लोजली. मैंने ये जो बैटर नहीं बोलूंगी, जो मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया है अब मैंने इसे साइड में रख दिया है ओके. फिर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है सी दिस वन, जिसमें आप अपने हाथ गीले करके फिर ये बैटर नॉट अगेन बैटर मिक्सचर लेके उसको ऐसे रैप करना है. सो कम नियर आई विल शो यू कैसे करना है. सो मैंने एक ही बना ही दिया है ऐसे पानी इसमें भिगोए. हैंड वॉश प्लीज कर लेना ऐसे करके. ऐसे रोल कर देना है इजीली, ऐसे स्मूथ सा हो जाए. ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे छोटे टिक्की की तरह. फिर रख दिया. फिर अभी साबुदाना काफी हैवी होता है तो आई थिंक आप उसको अगर 4-5 भी खाओगे तो इजीली आपका पेट भर जाना है. तो आप इसको स्नैक में भी खा सकते हैं और मैं तो इसको डिनर में खाने वाली हूँ.
So guys, I'm back. So you can have a look here how I already put 2 sabudana vada in the oil. Be very careful because they are very fluttery. So I'm gonna put it like this. So you use medium heated oil and put it like this. And look how I made one vada with a finger in it. Stay here. Jesus. But yeah, I just don't prefer that way because it's just a hole and just has tendencies to fall apart. So मैं इसमें एक और डालने वाली हूँ बीच में and that's it. तो आपको इसे ऐसे देखना है कि मैंने सबसे पहले ये डाला था. आप इसे छोड़ दो. अब ये थोड़ा medium brownish होए तभी आपको इसे निकालना है. तो मैं अभी इसको थोड़ा देर इसमें डाल के छोड़ देने वाली हूँ और मैं थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आऊँगी उसको दूसरी तरफ टर्न करने के लिए. हाय गाइस, तो लास्ट टाइम मैंने जब ये ऑयल में डाला था तो मेरे सारे वड़ा ऐसे ऐसे अलग होके बिखर गए. तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें बिकॉज जो मैंने साबूदाना वड़ा निकाला था उसमें थोड़ा वाटर था और आलू भी मैंने उसे सूखने नहीं रखा. तो आप उसे ड्राई होने के लिए थोड़ा साइड में रख दें. तो मैंने क्या करा, जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, मैंने राइस फ्लावर लिया और राइस फ्लावर में उसको थोड़ा, या आप मैदा भी ले सकते हैं, डिप कर दिया मेरे वड़ों को. और वड़ों को डिप करने के बाद फिर वो अलग नहीं हुए बिकॉज मॉइस्चर ऑयल के कॉन्टेक्ट में नहीं आया. ओके, सो नाउ हैव अ लुक हियर. ये एकदम स्ट्रॉन्ग एंड क्रिस्पी है. तो आप ऐसा कर सकते हो, वड़े की जो टिक्की बना के उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दो या फिर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो तो वो मॉइस्चर कंटेन हो जाएगा. तो वो ऐसे टूट के अलग अलग बिखरेंगे नहीं. आप देख सकते हो मेरे ऑयल में कैसे वो टूट के पड़े हैं. एकदम से मैंने उसे पिक किया तो मैंने उसको राइस फ्लोर में, अगर आप ऐसा कर दिया आपको इमीडिएटली खाने हैं तो आप राइस फ्लोर में उसे ऐसे डिप कर दो. मैंने वही किया है एंड ऐसे फ्राई हो गए. सो दैट्स इट गाइस, ऐसे हम लोग साबूदाना वड़ा घर पे बना सकते हैं. मेरे को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे. साबूदाना भी गा के रख दिया, आलू मैंने माइक्रोवेव में 5 मिनट में कर लिए थे, आप कुकर में भी कर सकते हैं, और बस असेंबल किया और फ्राई कर दिया. बट आप वो गलती मत करना जो मैंने करी कि वो मॉइस्चर मैंने साबूदाना में रहने दिया और आलू में. तो आप उसको थोड़ी देर रख देना कि वो सूख जाए. एंड टू अवॉइड दैट एक्चुअली आप उसमें थोड़ा मैदा मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है तो मुझे नहीं डालना था. आप उसमें मैदा मिक्स कर सकते हैं, राइस फ्लावर मिक्स करते हैं एज एन बाइंडिंग एजेंट और उसको मिक्स करके फ्राई कर दे. एक वड़ा डाल के देख लेना कैसे पूरा फ्राई होता है एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग अदर. सो गाइस, आप घर में एंजॉय करें साबूदाना वड़ा एंड मुझे कमेंट करें आपकी कोई गलती हुई, टूटा है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ. एंड इफ यू गोना गिव मी, यू वांट टू गिव मी एनी फीडबैक नेक्स्ट टाइम कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक केयर. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.